यहाँ पर वो कर दो फोटो भी फिट कर ठीक है। कैपिटल में होगा ना नेम तो कैपिटल में कर देना। हाँ कैपिटल लेटर में फोटो दिखाओ केड़ी करेगी। सो हमने हमारी जो फूड कास्टिंग थी जो हमने मनीर के बर्थ के डे कराई थी वो अभी तक हमने कलेक्ट नहीं की है, तो वो ये अभी हम फोटो दे रहे हैं मनीर की और नाम दे रहे हैं, तो वो 15 डेज में हो जाएगी। 2023 है ना। हाँ है ना। अपना होता नहीं पाना टाइम 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 नहीं पाना, फिर हर कोई कुंडली बनती कटा लेगा। फोटो दिखा दो एक बार। तो ये पिक्चर हम लोग करवा रहे हैं साथ में। यस हाँ हाँ आई नो हाँ पूरी गल्ला मार रहे हैं। हाँ बताए बताए अपने मुंह से बताओ। हम लोग अभी कुछ दिन में हमारा बन के आ जाएगा। हम लोग लेट हो गए, इनकी तरफ से तैयारी एकदम पूरी थी बट हम ही लोग बिजी थे जरूरत से ज्यादा तो लेट हो गए। तो अभी हम इनको फोटो और अच्छा बहुत बाहर भी है इनका और इन हाउस भी है, तो जो लोग हाँ इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इनका नाम है गगन। हाँ जी हाँ और इनका नंबर डाल देंगे। अगर किसी ने भी करवानी हो कास्टिंग तो आप डायरेक्टली कॉल करके करवा सकते हो, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ जी ठीक सो जी ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। मनीर की वैक्सीनेशन हो चुकी है, मनीर का नाम भी बर्थ सर्टिफिकेट में लिख दिया गया है, पर वो हमें एक दो दिन बाद मिलेगा। और जो हैंड कास्टिंग हमने कराई थी, फूड कास्टिंग जो करवाई थी, उसकी भी सारी जो भी मनीर का नाम हमने नहीं दिया था तो वो दिया है। फ़ोटो अभी तक सिलेक्ट नहीं की थी भी कौन सी लगवानी है तो वो भी दी है, तो भी हमको 15 दिन में मिल जाएगी। और हॉस्पिटल ऑलमोस्ट काम हो चुका है। हाँ। अब हम लोग जाएंगे बाहर क्योंकि लंच भी नहीं हमने किया है, टाइम हो चुका है आई थिंक 4 बजे 4 बज चुके हैं और लंच वंच करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे पटियाला। और आज मेरी बेबी बहुत रोई, बहुत रोई, मतलब गुस्से में ज्यादा, गुस्से में ज्यादा, क्योंकि वो दर्द तो 1 मिनट का ही होता है, उसके बाद इसको गुस्सा। हाँ गुस्सा आया भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊंगा। क्या चाहिए? बेबी ऑन बोर्ड। ओह स्टिकर पिछड़ों के हॉर्न मार देने दो, सेफ्टी बहुत मिल गई है। सर क्या प्लीज इकोनॉमी अच्छा थैंक यू नहीं बट हाउ टू सर ये यहां से ना यहां से ओपन होगा। ओके ओके ये आपने स्टिक करना है बाहर से चिपका देना शीशे पे। नहीं ये अंदर से लगाना, बाहर अंदर से लगाना सर, तो बाहर की तरफ देखो। ओके और ये फिर उतरेगा कि पता नहीं 10 साल बाद भी नहीं उतर जाएगा सर, पानी थोड़ा लगा है ना उतर जाता है। थैंक यू सो मच, फोटो क्लिक करवाना सर आप भी आ जाइए। हाँ जी हाँ जी तो यहाँ पर अभी लगा रहे हैं स्टिकर बेबी ऑन बोर्ड का, क्योंकि थल ना चिट्टे हम, क्योंकि क्या है ना कि चिनू उस साइड, क्योंकि इस साइड ड्राइव होती है ना, क्योंकि हर कोई पीछे से हॉर्न मारता है, हर किसी को जल्दी होती है जाने की, तो इट्स बेटर कि कोई नहीं पर उस साइड ही लगूगा। इधर ड्राइवर दी शीशा चाहिए देखने लिए, थले ला दो ऊपर लग जो एकदम जगह ऊपर 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 तो थले ला दो, थले ला दो शीशे च देखना ना तुसी बाहर आले च सो सब कुछ मैं क्या कहती जल्दी होती है कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे जाएं, हमको जगह दे दे। किसी को ये नहीं पता होता कि गाड़ी में बेबी है, इसकी वजह से हम गाड़ी स्लो चला रहे हैं,
सो इसलिए हमने बेबी ऑन बोर्ड नीचे 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 तो इसलिए हम बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर लेके आ रहे हैं ताकि सब लोगों को पता चल जाए। अभी आगे थोड़ी कंफ्यूजन है कि आगे हम कहाँ लगाएं, तो लेट्स सी। हैं तो एक बहुत है, उतारता दोनों पास से ला दो, फिर पीछे दोनों ही पास से ला दो। सो आगे तो लगेगा नहीं जी, अब पीछे लगेगा। वैसे भी आगे का कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, मैंने पहले ही अभी को बोला था कि पीछे ही लगाओ, तो पीछे ऑलरेडी एक लगा चुके हैं और अभी दूसरी साइड लगा रहे हैं। और मेरा बच्चा भी छो गया पीछे, मेरा बिल्कुल पीछे छो गया है, इंजेक्शन लगवा के वैक्सीनेशन लगवा के। और मैं अभी बस के पीछे लगी हूँ इसको लेके, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा एसी लगा के उसको नॉर्मल टेम्परेचर किया जाए। और बस के साइड में छाया थी तो मैं मंदिर को लेके यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ, तो बस अभी थोड़ी देर निकलते हैं। परफेक्ट, बेबी ऑन बोर्ड दोनों तरफ लगा दिया और है भी कलर अच्छा ना, दूर से दिखेगा। आई थिंक गाड़ी हो चुकी है ठंडी तो बैठते हैं अंदर गीत को लेके। मेरा बच्चा सो गया, बेटू सो चुका है। ओ मेरा बेबी, ओ मेरा बच्चा। मेरा मन्नू भी यहाँ पर सो गया है वैक्सीनेशन के बाद, बैंडेज इन्होंने दोनों तरफ लगा दी है तो इसको शाम को निकालने के लिए बोला है। और डॉक्टर ने कहा है कि इसको फीवर के जो ड्रॉप्स हैं वो भी दे देना ताकि इसको फीवर ना आए, तो अभी एक ड्रॉप देना है। और एक कितने घंटे बाद चीरू? एक अभी दे दो अभी। और दूसरा? दूसरा रात को। दूसरा रात को तो एक करे, हवा काटे करे हमारी भी, तो एक अभी इसको ड्रॉप दे देती हूँ और उसके बाद शाम को दे देती हूँ। सो गाइज, मनहीन ने अपनी जो दवाई थी फीवर वाली मुंह से निकाल दी है क्योंकि सो रखी है। कोशिश की पूरी उठाने की पर उठी नहीं है, बट थोड़ी सी उठी मतलब, पर फिर हमने दी जब मेडिसिन तो उसने फिर निकाल दी। तभी हम थोड़ी देर में जब ये थोड़ा जाग जाएगी उसके बाद देंगे। अभी सोच रही हूँ कि वैक्सीनेशन लगी है ना तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन का भी असर है जो उसको एकदम से नींद भी आ गई है। और वैसे भी ये गाड़ी में सोती रहती है तो वी आर कन्फ्यूज कि वैक्सीनेशन की वजह से है या वैसे ही नींद आई है। सो अब जब उठेगी उसके बाद फिर इसको मेडिसिन देते हैं। हम लोग अभी बस निकल रहे हैं पटियाला के लिए, बट भूख भी बहुत तेज़ लगी है, लंच भी करना है। तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि अगर ज़्यादा शाम करेंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा, अगर सबवे मिलेगा या कोई भी अगर रेस्टोरेंट अच्छा होगा फूड का तो हम वहीं पर खा लेंगे और फिर पटियाला के लिए निकलेंगे। क्योंकि पहले प्लान था कि हम यहाँ पर शायद 35 सेक्टर में है अवन फ्रेश या फ्रेश अवन ऐसे करके रेस्टोरेंट का नाम है, निश्चय और चैरी लेके गए थे, हमको वहाँ का फूड बहुत अच्छा है। बट वो ये है कि 35 सेक्टर में है तो जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा और फिर जब वापस जाएंगे तो ट्रैफिक भी हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया है कि हम सीधा पटियाला जाते हैं, रास्ते में मिलेगा कुछ भी तो हम वहाँ जाके खा लेंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं ड्राइव थ्रू कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर मुझे चाय ठेला नजर आया यार, चाय ठेला, और मेरे को बड़ा मन है चाय पीने का पर है नहीं कोई। क्यों? चाय ठेले खाली पे थे क्या? ठेला कितने है आगे? कितने ठेला होएगा चिन्नू? स्टारबक्स भी है बाय द वे, और हमारी मनीर भी उठ गई है बरिस्ता हाउस। आप इतने एक बार रुके सी याद है? हाँ, नहीं इतने है कि यार ट्रैफिक टप गए ना। हाँ, डर यही सीगा कि ट्रैफिक टप जी, फिर चाहे चलो थोड़ा ज्यादा रुक के, पर ज्यादा देर नहीं लावांगे, अंधेरा ना होगा बस। हाँ, क्योंकि अभी को प्रॉब्लम है ड्राइव करते हुए नींद आने की। वैसे तो नींद अच्छी पूरी की हुई है बट वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। और मनहीर भी है हमारे साथ, कहा है? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जर। मेरी बुच्चू भी हो चुकी है चोनो, गुड मॉर्निंग बब्बू। गुड मॉर्निंग चना, गुड मॉर्निंग मेरी जान। आई अच्छी अच्छी आ गई, अच्छी अच्छी आ गई मेरे बेटू को, अच्छी अच्छी आ गई। मनीर की कॉट ले ली हमने साथ में क्योंकि फिर अगर ये सो गई दोबारा से जिस तरह से अपने लटकाया हुआ है वैसे सो जाती है। कोली लाल सुन सकता बेबी? सो स्वागत नहीं करोगे हमारा? सो सब्वे और नहीं कुछ?
ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੀ ਆ ਕਰੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇਖਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੇਟ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਚਿੰਸ ਯਾ ਡੋਮਿਨੋਸ ਸੋ ਬੀਕੇ ਕੈਫੇ ਹੈ चाट स्नैक्स बीकानेर फास्ट ज्ञानीस सब गए हैं और यार चलो चाल लो चाल लेके आ जाओ आ जाओ पैसे नहीं है मेरे को तुसी लेना कुछ अखा नहीं खोल रही है क्योंकि धुप पै रही है ना चिनू पूरी स्ट्रेट मैं स्ट्रेट से जानी है वापस थैंक यू सो अभी सबवे में बैठे हैं मनहीर को लेके और मैं लेके जा रही हूँ अपनी चाय कॉफी वो देखो बैठे हंस रहे हैं की हो रहा है हंसी हंसी हो रही है मेरे बेटे हाँ अच्छी अच्छी हो रही है पढ़े शनु काओला बेटू एक मिनट भी आके दे काओला मेरे बेटू अच्छी अच्छी आ रही है मैनू भी लिया दंदे कले कले तू नाले उधर कुछ लेने गई मैं तो चाह रहती है खानू के लेता मैं कर ऑर्डर कर दे पैसे देने आ जाओ उन पूरे मैं अपने भी नहीं लेता जा की लेना ये है अभय की ब्लैक कॉफी बॉबली बॉबली ये मेरा सब और मेरी कुकी वाटर बॉटल ओए मेरे बेटू छू ना बेटू सो जी पेट पूजा अभी की हो गई है मैं अभी गाड़ी में खाऊंगी क्योंकि मैंने एक्चुअली चाय पी ली थी मेरा बहुत मन था क्योंकि अभी आदत सी हो गई है कि चार बजते हैं तो चाय पीने का मन करता है तो फिर मैंने तो चाय पी और फिर मैंने चॉकोलावा केक भी खा लिया सो वही है ना चाय पीने के बाद आप सब भी तो खा नहीं सकते क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होती हैं तो फिर अभी मैं गाड़ी में खाऊंगी थोड़ी देर में और मैंने हीर की भी आउटिंग हो गई है वो सोई नहीं अभी इसने फुल एंजॉय किया ना पुट्टू एंजॉय किया आपने पुट्टू एंजॉय किया ये देखो चलो एंजॉय किया आपने एंजॉय किया पापा ने घुमाया आपको घूमी घूमी करवाई आपकी आए मेरे बीटू आज आप बहुत लोई लोई किया आपने पता है आपको बहुत लोई लोई किया आपने आज हाँ पानी की बोतल मेरे हाथ पे कॉफी कॉफी हाथ में गिरा ली गरम गरम वापस आ चुके हैं हम चंडीगढ़ से और वैक्सीनेशन भी लग चुकी है और अभी मनीर को अभी बाहर लेके गए हैं थोड़ा ठहराने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है उसको थोड़ा पेन हो रहा है पता नहीं वैक्सीनेशन तो पेनलेस थी बट उसको मुझे जहाँ तक लगता है उसको पेन हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन टाइप सी हो रखी है तो अभी गए हैं थोड़ा बाहर उसको ऐसे ही टहलाने के लिए थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए और मैं अभी फटाफट चेंज करके डिनर विनर करती हूँ भूख भी लग रही है और देखते हैं अभी दीदी ने क्या बनाया है डिनर के लिए वो चाचा को बोला था कि कुछ भी बनवा देना क्योंकि जब हम निकले थे तो दीदी आई नहीं थी
और देखती हूँ क्या बना है। अबले बू बई बू 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 बई की बू 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 हाँ अबले बू 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 बी 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 बू बल बल बलू बल बलू बल बलू बोल क्यों दे रहे हैं। ओ ओ ए बू बई बू 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 नहीं बोलो आई लव यू आई लव यू आई लव यू सुना अखा साफ कर थले जो आ गए ओ जो आंसू भी निकल रहे हैं उसके। ओ ओ नो चोट